जो सख्त बयान दे रहे हैं ये बैठे नहीं लेट गए थे, कोई डील है ना कोई ढील, सब ड्रामेबाजी चल रही है। बयानात इमरान खान को खुश करने के लिए हैं, फिक्र ना करें यही पीटीआई इसी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। सेनेटर फैसल वाबडा ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि पीटीआई फौज के बाद हुकूमत से भी बात करेगी, वो सब बुरे थे आज अच्छे हो गए, जब दिल करता है हम किसी को गाली दे देते हैं, जब काम पड़ता है तो हम गले लगा लेते हैं। इन्होंने कहा है कि धरने एहतजाज शहादतें इस चीफ को चीफ बनने से रोकने के लिए थी। फैसल वाडा ने कहा है कि अब कोई डील है ना कोई ढील, ना कोई बातचीत फौज की तरफ से करने को तैयार है, इन टैक्टिक्स की वजह से आप यहां तक पहुंचे हैं और आप मजीद दलदल में जा रहे हैं। जहां तक हुकूमती मुज़ाकरात की बात है ये ड्रामेबाजी चल रही है, हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इनका कहना था कि आपको जो केपीके से बयानात नजर आ रहे हैं ये इमरान खान को खुश करने के लिए हैं। अली अमीन गंडापुर ये वो शख्स है जो सबसे पहले बैठा नहीं बल्कि लेट गया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर सकते हैं लेकिन जानी दुश्मन तो नहीं बन सकते। पीटीआई मकबूल है, इसका मतलब ये है वो आग लगा दें पूरे मुल्क को। मसला ये है कि हमें अब ये फैसला करना है, हम महाज आराई और बदमाशी की सियासत से निकलेंगे कि नहीं।